नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। फिलहाल हम मौजूद है रुड़की में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता जी के स्वर्गवासी पिताजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी की आज पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने सचिन गुप्ता जी ने यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और हम आपको बता सकते हैं कि जैन धर्मशाला बीटीगंज में ये ब्लड कैंप लगा है और यहाँ पर बहुत से डोनेटर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं और डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। आइए हम इनसे सभी से बातचीत करेंगे। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये ब्लड डोनेट कैंप है, ब्लड डोनेट कैंप से जो ब्लड डोनेट करते हैं इसके बेनिफिट सबसे पहले? रक्तदान करने से हमें कई फ़ायदे हैं। एक तो जब हम ब्लड देते हैं तो हमारी कई सारी जाँचें हो जाती हैं, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप और रक्त संबंधी कई जानकारियाँ डोनर को दी जाती हैं। और रक्त देने के बाद जो वो ब्लड बैंक में ब्लड जाता है तो हम उसके कई सारे टेस्ट लगाते हैं और उस टेस्ट की रिपोर्ट हम डोनर को विद इन अ वीक प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे उसको कई चीज़ों का पता चलता है कि मेरे शरीर में कई चीज़ें सामान्य हैं या नहीं। तो क्या ब्लड डोनेट करने से जो व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है वो कैसा फील करता है? रक्तदान करने के बाद हमने देखा है, जो भी एक बार रक्तदान करता है वो फिर अपने आप ही दूसरी बार खुद आ जाता है। हमारे रुड़की में बहुत से ऐसे डोनर हैं जिन्होंने 100 बार से भी ज़्यादा ब्लड डोनेट किया हुआ है और वो उनके साथ साथ युवा भी आज की डेट में बहुत सारे प्रेरित हैं और अब हमें ब्लड की कभी कमी नहीं होती और रक्त की निरंतरता बनी रहती है, जिससे हमारे कई तरह के रोगों के मरीजों को ब्लड मिलता रहता है। आज यहाँ पर जो सचिन गुप्ता जी के स्वर्गवासी पिताजी की पुण्यतिथि पर कितना ब्लड डोनेट यहाँ पर, कितना यूनिट हो चुका है? आज हमारे लोगों का 40+ कलेक्ट हो चुका है और लगभग 100+ होने की उम्मीद है। काफ़ी युवा और श्री सचिन गुप्ता जी और उनके सहयोगी बढ़ चल के हिस्सा ले रहे हैं, जिससे हमारे को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं। इधर सर, जो ये ब्लड डोनेट रक्तदान शिविर कैंप यहाँ पर लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जैसा कि आपको आज विदित होगा, आप यहाँ पहुँचे हैं हमारे शहर के उभरते हुए सितारे भाई सचिन गुप्ता जी, वरिष्ठ समाजसेवी हैं और प्रदेश में कांग्रेस में महामंत्री हैं। उन्होंने अपने पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर एक ब्लड कैंप का जो डोनेशन का आयोजन किया है। ब्लड के देने के बारे में, डोनर के डोनेशन के बारे में फ़ायदा आपको डॉक्टर साहब ने बताई दिया है और इसी क्रम में समाज सेवा के रूप में भाई सचिन गुप्ता ने जो कैंप लगाया है, शहर के युवा साथी, सहयोगी, सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे शहर के सभी लोग अधिक से अधिक इसमें ब्लड डोनेशन में भाग लें, क्योंकि ब्लड एक रक्तदान महादान होता है जिससे हम दूसरे की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और ब्लड देने से, खून देने से आदमी को खुद भी एक गर्व की अनुभूति होती है, जैसे कि मैंने भी दिया है, अभी ओ नेगेटिव ग्रुप है मेरा, पहले भी दे चुका हूँ कई बार, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है ब्लड देने के बाद में। और मैं सभी से आशा करता हूँ कि सभी को अपने जीवन में जितना भी जहाँ उस पर बन पड़ता हो ब्लड का जो डोनेशन करना चाहिए। दरअसल क्या है, टाइम टाइम पर बहुत से ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं और कहीं हमने देखे भी है, बहुत जगह लगे रहते हैं, लेकिन ये जो पुण्यतिथि पर एक ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, इससे क्या मैसेज जाएगा जनता? इससे मैसेज ये जाएगा, देखिए, समाज सेवा के रूप में आप कभी भी दे सकते हैं ब्लड को। ब्लड देने का कोई वो ऐसा अलग से कोई आयोजन नहीं होता, लेकिन जब भी को आपको कोई ऐसा मौका लगता है, आप पुण्यतिथि पर अपने माता की, अपने पिता की, किसी पूर्वज की चाहें, तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, ये सभी के लिए एक प्रेरणा भी बनेगी और एक नज़ीर भी बनेगी। ब्लड दे करके बहुत अच्छा लगा, ये कैंप मैं चाहता हूँ हर महीने हमारे रुड़की हर शहर में लगे और बहुत अच्छा लगा। चलिए, यहाँ पर बाकी और भी डोनेटर हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। इधर बात कर लेते हैं अभी। सर, कैसा लगा है ब्लड डोनेट कर आपको? अच्छा लग रहा है। आपने फर्स्ट टाइम डोनेट किया है? इससे पहले फर्स्ट टाइम दिया है। आपने डोनेट किया तो कैसा फील कर रहे हैं फिलहाल? कुछ नहीं, ठीक ठाक है सब, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहते हैं कि इस प्रकार ब्लड डोनेट कैंप लगते रहने चाहिए? और बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि कुछ जो हमारे गरीब दोस्त हैं जिन्हें खून नहीं मिल पाता, ये खून उनके काम आ जाए। आइंदा हम आगे भी लगातार डोनेट करते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी का यही कहना है कि खून डोनेट करने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने का। तो बाकी और युवा जो जनरेशन है, बाकी और भी लोग हैं, उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज? उनको, सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि वो हर महीने जहाँ भी शिविर लगे वो अपना खून डोनेट करें। हमें तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा इसलिए लग रहा है कि एक नारा है कि रक्तदान महादान। आज जो है हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं सचिन गुप्ता जी, उन्होंने अपने पिताजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी की आज जो बरसी है उसके सम्मान में ये रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया है और इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा हमारे और बुजुर्ग भी इसमें जो है रक्तदान करके
इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। यहाँ पे जितना, ये तो मेरे को मालूम नहीं कितना हो चुका है, लेकिन जितना इनका टारगेट था वो पूरा हो चुका है और अभी और रक्तदान जो है किया जा रहा है।